तो फाइनली सेकेंड जनरेशन फोर्स गुरखा को भारत में लॉन्च कर दिया गया है और इसमें काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर और साथ ही कुछ दमदार फीचर्स भी इसमें ऐड किया गया है, जिससे ये ऑफ रोडर बन जाती है खास नहीं बहुत ही खास। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ क्यों है ये द रियल थार किलर, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो 2020 के ऑटो एक्सपो में पहली बार सेकेंड जनरेशन गुरखा को दिखाया गया था और तभी से लोग इसका बहुत जोरों से वेट कर रहे थे, पर बीच में कोविड-19 के चक्कर में इसका लॉन्च डिले होता रहा और अब फाइनली इसको अनवील्ड कर दिया गया है। इसमें काफी सारे अपडेट्स किए गए हैं। शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर से। इस गाड़ी को नए मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जहां चारों व्हील्स पर कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिससे ऑफ रोडिंग में आपको काफी मजा आने वाला है। ये गाड़ी आपको टू डोर में मिलेगी, प्लस नई LED सर्कुलर हेडलैम्प्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफी सही दिखता है। फ्रंट में आपको बड़े बड़े लेटर्स में गुरखा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी जो कि काफी इसको बोल्ड लुक प्रोवाइड करता है, और इसमें आपको बम्पर पर ही इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे जो कि थोड़ा थोड़ा मर्सिडीज जी वैगन की तरह भी दिखता है। इसमें आपको 16 इंच के व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, साथ ही ब्लैक ORVM, रूफ रेल, टो हुक, वर्टिकल टेल लैम्प, डोर माउंटेड स्पेयर व्हील। इसके अलावा आपको इसमें 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिसमें रेड, ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज और ग्रे शामिल है। और भाई व्हाइट कलर में ये गाड़ी तबाही दिखती है, फुल देसी जी वैगन वाली आपको लुक मिलेगी। एक्सटीरियर के अलावा इंटीरियर में भी काफी कुछ अपडेट्स किए गए हैं। इसका डैशबोर्ड आपको थोड़ा बहुत थार के जैसा देखने को मिलेगा। इसमें आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है एंड्रॉइड कार प्ले और एप्पल कनेक्टिविटी के साथ, साथ ही 4 स्पीकर मिल रहे हैं, साथ ही कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है आपको ऑल 4 पैसेंजर सीट्स के लिए, और पूरा का पूरा ब्लैक इंटीरियर इसमें डिजाइन किया गया है। 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील इसमें आपको मिल रहा है। इसमें आपको ऑल 4 पावर विंडो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको स्टेयरिंग पे कोई कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको डुअल एयरबैग, ABS विथ EVD, पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसी बेसिक सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलता है। बात करें इसके इंजन ऑप्शन की तो इस गाड़ी में केवल आपको डीजल इंजन की ऑफर की जाती है, 2.6 लीटर 4 सिलेंडर BS6 डीजल इंजन जो कि 91 PS की पावर जनरेट करता है 250 Nm टॉर्क के साथ। ये आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगा, साथ ही 4x4 सिस्टम भी इसमें मिल रहा है। तो गाड़ी बनी हुई है पूरी तरीके से ऑफ रोडिंग के लिए। इसमें आपको मिलता है एयर इनटेक स्नॉर्कल, ये अक्सर आपको ऑफ रोडिंग के दौरान रिवर क्रॉसिंग पे काम आएगा, जब आपकी गाड़ी पानी के अंदर हो तब ये बाहर से एयर लेके इंजन तक पहुंचाएगा। तो ये एक एयर इंटेकर है जो आपको इसमें देखने को मिल रहा है। खैर अगर थार के इंजन के साथ कंपेयर किया जाए तो भाई उसके सामने ये कुछ नहीं है, क्योंकि थार में आपको 130 BHP का पावर देखने को मिलता है जो कि ऑफ रोडिंग के साथ ऑन रोड में भी काफी मजे देती है। डायमेंशन की बात करें तो इस गुरखा को पिछले गुरखा की तुलना से काफी लंबा चौड़ा बनाया गया है। इसमें आपको 500 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। गाड़ी आपको 4 सीटर मिलेगी 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। बात करते हैं इसके लॉन्च प्राइसेस और वेरिएंट्स की, तो जल्द ही इसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की अगर बात करूं तो वो 27 सितंबर हो सकता है। कहा जा रहा है कि फेस्टिव सीजन में ये डिलीवर होना चालू हो जाएगी, तो 27 तारीख को इसके ऑफिशियल प्राइसेस आपके सामने आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड प्राइसेस की अगर बात करूं तो ये गाड़ी आपको 9.5 लाख से 14 लाख के बीच में मिलेगी। काफी बढ़िया प्राइस सेगमेंट इनका होने वाला है। इसमें आपको एक्सट्रीम वेरिएंट भी देखने को मिलेगा जो कि आगे जाके लॉन्च किया जाना है। तो ये गाड़ी कम्पीट करेगी महिंद्रा की थार से, तो देखने में ये मजा आएगा कि लोग थार से इसमें स्विच करते हैं या फिर थार में ही खुश है। और एक बात, अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए कुछ गाड़ी खोज रहे हैं तो भाई मैं बता दूं, फोर्स की गुरखा आपके लिए अगली ऑफ रोडिंग की कार बन सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।